In today's video, we are going to learn about how to identify or how to measure, compare the strength of different carboxylic acids. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी किया था, एस्ट्रो बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में किया था. नाउ इट्स टर्न फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो आप जो डिटरमाइन करते हो आर ग्रुप को देख के डिटरमाइन ईजीली कर सकते हो. तो फॉर एन एग्जाम्पल, प्रोपेनोइक एसिड जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग कर दूँ तो उसके पीछे का जितना भी आपका चेन स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपका आर ग्रुप माना जाएगा. आर ग्रुप माने एल्काइल ग्रुप. अब वो कोई सा भी हो सकता है. अभी यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, बाकी यहाँ पर सी डब्ल्यू एच हो गया इंक्लूडिंग दिस कार्बन भी. जो सी डब्ल्यू एच का कार्बन जो होता है उसको हम अगर एक्सक्लूड कर देते हैं तो उससे प्रीवियस वाला आता है. जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन होगा ये इथेनोइक एसिड क्योंकि इसमें दो कार्बन है. सी डब्ल्यू एच का कार्बन भी हम कंस्टिट्यूट करते हैं नोमेनक्लेचर में. ऐसे ही यहाँ पर है टू क्लोरो इथेनोइक एसिड. अब यहाँ पर आपके पास तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको हम कंपेयर करके डिसाइड करेंगे कौन सा इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा वीक. मूविंग टू द फर्स्ट, पहला आता है इथेनोइक एसिड. हम सबको पता है कि इथेनोइक एसिड इज़ ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर, और ये काफ़ी ज़्यादा वीक एसिड होता है ना, पीएच विद 4. अब इसका डाइल्यूट, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है 1.8 × 10⁻⁶. लेकिन हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओ विदाउट हैविंग दिस डाइल्यूट कांस्टेंट इथेनोइक एसिड का. चलो इथेनोइक एसिड का तो आपको इन केस पता है क्योंकि एसिटिक एसिड है, मोस्ट पॉपुलर वीक एसिड है ये, आप इजीली बता पाओगे कि यस ये वीक एसिड है. लेकिन आप ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि प्रोपेनोइक एसिड से और टू क्लोरो इथेनोइक एसिड से ये किधर लाई करेगा, आगे या पीछे. तो इसको आप अभी यहीं पर छोड़ना, हम आगे मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ टू क्लोरो इथेनोइक एसिड. अब पहले टू क्लोरो इथेनोइक एसिड को डिसाइड करेंगे कि ये इथेनोइक एसिड से ज़्यादा है या कम है. तो देखिए, सब में, सारे एल्काइल ग्रुप में आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सिर्फ इस वाले में क्लोरीन अटैच्ड है. और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है. और जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी उतना ही ज़्यादा पोलर बनता जाएगा बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन का. जितना ज़्यादा पोलर बनेगा, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा एसिड की स्ट्रेंथ होगी. सो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन विच इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये टू क्लोरो इथेनोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा अमंग दीज थ्री जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज ऑफ द क्लोरीन इज़ हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पोलर ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा एंड वीकर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ जो होगी वो अपने आप बढ़ जाएगी. देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं कि आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कभी कभी आपको रीजंस भी पूछते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस के लिए रीज़न इतना वैलिड रहेगा कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि ज़्यादा पोलर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा एंड पोलर बना देगा बॉन्ड को एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो अभी हमने ये पता लगाया कि टू क्लोरो इथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्ग है इथेनोइक एसिड से. नाउ हम ये पता लगाएंगे प्रोपेनोइक एसिड का क्या केस है इथेनोइक एसिड से, तो आप इजीली उसको अरेंज कर पाओगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर. प्रोपेनोइक एसिड, अब हम देखें अगर प्रोपेनोइक एसिड में आपके पास एल्काइल ग्रुप में कौन सा, इधर सिर्फ और सिर्फ मिथाइल था और इधर आपके पास देखिए इथाइल ग्रुप है, तो इससे एक ज़्यादा ही ग्रुप है. ठीक है, मतलब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप छोटा है और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बड़ा है. ओके, अब हम देखते हैं एल्काइल ग्रुप बड़ा होने की वजह से क्या होता है. अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हो कि क्लोरीन, NO2 ये सारे जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स जिनकी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप या कोई भी एल्काइल ग्रुप आप मान लीजिए, या फिर OCH3 ग्रुप भी मान लीजिए, तो ये सारे ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर. अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से उसका ऑपोजिट केस होगा. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में होता था इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी. इंक्रीज होने की वजह से
पोलर बॉन्ड जो होगा वो उतना ज़्यादा पोलर नहीं होगा, इट विल बी लेस पोलर, देन स्ट्रेंथ विल डिक्रीज एंड हेंस प्रोपेनोइक एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं माना जाएगा। तो आपने देखिए यहाँ पर इथेनोइक एसिड की हेल्प से कंपेयर किया, पहले सबसे पहले आपने इथेनोइक एसिड देखा कि हाँ भाई ये वीक एसिड होता है, फिर इसी से कंपेयर करके टू क्लोरो इथेनोइक एसिड का देखा तो टू क्लोरो इथेनोइक एसिड वाला जो था आपका इथेनोइक एसिड से ज़्यादा निकला, ठीक है तो हम इसको ऐसे साइन बना देंगे। देन अब प्रोपेनोइक एसिड मिथाइल ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने की वजह से वो कम एसिडिक होगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। सो ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी, पहले सबसे कम प्रोपेनोइक एसिड, वीक एसिड, देन इथेनोइक एसिड, देन टू क्लोरो इथेनोइक एसिड। रीज़न मैं आपको सबके बता चुकी हूँ, इसका रीज़न है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इसका रीज़न है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। अब ये आपको पता होना चाहिए किस किस ग्रुप के लगने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, किस ग्रुप के लगने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो आपके होते हैं क्लोरीन होता है, NO2 होता है, एंड मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपके OCH3, CH3 या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप आपका हो सकता है, ठीक है। ये बल्की ग्रुप्स होते हैं, बल्की ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। नाउ इतना आप रीजन लिखेंगे तो ये सफिशिएंट होगा, मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप इज मच वीकर देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम। अब अगर हम सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड और टू क्लोरो इथेनोइक एसिड को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है CH3 ग्रुप का वो काफ़ी कम होता है देन एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ क्लोरीन। इसलिए ये केस भी बनता है कि प्रोपेनोइक एसिड है वो स्लाइटली वीकर होता है देन द इथेनोइक एसिड, ठीक है। देन कम्स टूवर्ड्स, ओके तो ये आपका एंड हम पहुँच चुके हैं, ये तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में आपने आई होप समझ लिया होगा कि आप कैसे विद द हेल्प ऑफ अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में सिंपल बेसिस के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।